मिताली, ये देखो दूध की मलाई को ऐसे अच्छे से पकाकर उससे शुद्ध देसी घी बनाया जाता है। ठीक है दादी माँ। आचार बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम आम को बहुत अच्छे से सुखाएं। क्यों दादी माँ? क्योंकि अगर आम में थोड़ी भी नमी रह गई, तो मसाले मिलाने के बाद स्वाद अच्छा नहीं होता। ठीक है दादी माँ, मैं समझ गई। इसी तरह मिताली अपनी दादी माँ से कई चीजें बनाना सीखा करती थी। मिताली को खाना बनाना बहुत पसंद था। समय बीतता गया और अब मिताली एक बहुत खूबसूरत युवती बन चुकी थी। दादी माँ ने मिताली की शादी एक बहुत ही होनहार युवक महेश से कर दी। मिताली और महेश एक साथ बहुत खुश थे। एक साल बाद मिताली और महेश को दो जुड़वा बच्चे हुए, जिनका नाम उन्होंने आलोक और आदित्य रखा। दोनों की अच्छी कट रही थी। महेश अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा रहा था। कुछ समय बाद मिताली की दादी माँ नहीं रही। उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। अब इस दुनिया में मिताली के अपने सिर्फ तीन लोग थे, महेश और उसके दो बच्चे। मिताली ने अपने आप को संभाला और फिर अपने पति और बच्चों की परवरिश में उलझ गई। लेकिन शायद भगवान ने ही मिताली के जीवन में बहुत कम खुशियां लिखी थी। महेश का एक घातक एक्सीडेंट हुआ, जिससे उसने बिस्तर पकड़ लिया। मिताली को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने आप को और अपने बच्चों को संभाले। कुछ ही दिनों में उनके खाने के लाले हो गए। उनके पास दवाइयों के भी पैसे नहीं थे। और फिर एक दिन महेश ने भी अपना देह त्याग दिया। महेश की मृत्यु से मिताली पर जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। महेश घर का अकेला कमाने वाला था, जिसके जाने से घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। मिताली ने कभी भी काम नहीं किया था, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अगर अब मैं नहीं कमाऊंगी तो मेरे दोनों बच्चे भूख से मर जाएंगे। मुझे कमाना ही होगा, लेकिन मैं कैसे कमाऊंगी? मुझे तो कोई काम भी नहीं आता, ना ही मैं पढ़ी लिखी हूँ। मिताली इसी सोच में डूबी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक उसकी नजर घर में पड़े मर्तबान पे पड़ी। आचार, हाँ मैं आचार बना के बेच सकती हूँ। मिताली ने आचार बनाना शुरू किया और जब उसका आचार बन गया, मिताली ने आचार को एक बड़े से मर्तबान में भर दिया। ये आचार मिताली बाजार ले गई। वहां चिल्ला चिल्ला कर मिताली ने आचार बेचा। कई लोगों ने मिताली से आचार खरीदा और जब शाम हुई तो मिताली अपनी पहली कमाई देखकर बहुत खुश हुई। उन पैसों से मिताली ने और आम खरीदे और अपने दोनों बच्चों के लिए कुछ खाने की चीजें भी। अगले दिन मिताली ने फिर आचार बनाया और फिर बाजार जाकर उसे बेचा। कुछ ही दिनों में मिताली का आचार पूरे शहर में चर्चा का विषय हो गया था और अब मिताली के आचार के लिए लोग कतार लगाया करते थे। मिताली खुश थी क्योंकि उसे जरूरत से ज्यादा पैसे मिल रहे थे और उसके दोनों बच्चों का पालन पोषण बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा था। कुछ वर्षों में मिताली के दोनों बेटे बड़े हो गए और अब वो दोनों बड़े स्कूल में पढ़ने जाया करते।
मिताली ने आचार बना बना कर एक बड़ा घर बना लिया था। और अब मिताली ने बाजार में एक बड़ी दुकान भी खरीद ली थी। अब वो आचार के साथ साथ अन्य कई चीजें भी बेचा करती थी। मिताली ने अपनी सहायता के लिए कई औरतों को काम पर रखा। इससे उन बेरोजगार गांव की गरीब औरतों को काम मिल गया और उनका भी जीवन बेहतर होने लगा था। और मिताली दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। मिताली ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का भी सहारा लिया। उसका छोटा सा व्यवसाय अब एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बन चुकी थी और उसकी बाजार की वो दुकान एक 4 मंजिला कंपनी बन चुकी थी। मिताली एक अनपढ़ गरीब विधवा से अब एक बड़ी कंपनी की मालकिन बन चुकी थी। और अब जब रिपोर्टर ने उन्हें पूछा, आचार से आपने इतनी बड़ी कंपनी का सफर तय किया, मैडम क्या आप बता सकती हैं कि इसकी मुख्य प्रेरणा क्या थी? जरूरत। अगर मुझे कमाने की जरूरत नहीं होती तो ना मैं आचार बनाती और ना ही यह व्यापार बनता। मिताली मैडम, आपको अपनी इस साहस के लिए सलाम और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका ये व्यापार बहुत ही जल्द अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बने। तो मैडम, आपकी इस पूरी कहानी की सीख ये है कि कामयाब बनने के लिए लगातार मेहनत करने की ही जरूरत है। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, लाल टमाटर, हरी खुशबूदार सब्जियाँ। मीरा गांव गांव घूम घूम कर सब्जियाँ बेचा करती थी। रोज गांव में घूमते वक्त उसकी नजर एक सब्जियों के बगीचे पे पड़ा करती थी। कितने वर्ष हो गए मैं ये सब्जियों का बगीचा देख ही रही हूँ। मीरा का सपना था कि वो उस बगीचे को खरीद ले और वहाँ खुद ही सब्जियाँ उगाए। लेकिन मीरा की परिस्थिति उसका साथ नहीं देती थी। मीरा का एक छोटा बेटा था जिसके पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी मीरा पर थी, क्योंकि मीरा के पति कुछ साल पहले स्वर्ग से धार गए थे। एक दिन की बात है, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, लाल टमाटर, हरी खुशबूदार सब्जियाँ। तभी सामने से विमला घी वाली आई। अरे ओ मीरा, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, तुम बताओ तुम्हारे क्या हाल है? सब ठीक है। तुमने सुना कि वो सब्जियों के बगीचे का मालिक खरीदार ढूंढ रहा है? अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं आज ही वो बगीचा खरीद लेती। मीरा को वो सब्जियों का बगीचा इतना पसंद था कि वो सीधे बगीचे के मालिक के पास पहुंची। सेठ जी, सुना है आप बगीचा बेचना चाहते हैं? हाँ, अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, बगीचे की देखभाल नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए बेच रहा हूँ। क्या तुम खरीदना चाहती हो? हाँ सेठ जी, पर पता नहीं मैं खरीद पाऊंगी या नहीं। आप इसे कितने में बेचना चाहते हैं? मुझे इसके 500 सिक्के चाहिए। अरे बाप रे, मेरे पास तो सिर्फ 200 सिक्के हैं। 200 सिक्के बहुत कम है, मैं 400 सिक्के के नीचे नहीं बेचूंगा। सेठ जी, अगर मैं आपको अभी ये 200 सिक्के दे दूं और अगले 4 महीने तक हर महीने 50-50 सिक्के दूं, तो क्या आप मुझे ये बगीचा बेच देंगे? सेठ जी ने सोचा, ठीक है, अगले 4 महीने तक तुम्हें मुझे 50-50 सिक्के देने होंगे। मीरा बहुत खुश थी कि जल्द ही उसे उसके सपनों का बगीचा मिलेगा। फिर क्या था,
मीरा और ज्यादा मेहनत करने लगी। उसने रोज ज्यादा सब्जियां खरीदकर बेचना शुरू किया, जिससे उसे ज्यादा पैसे मिलने लगे। रोज मीरा पाई पाई जोड़ने लगी। अब शाम के समय मीरा गांव में घूम घूम कर फरसान भी बेचा करती थी। एक महीने बाद मीरा ने सेठ जी को 50 सिक्के दिए। मीरा बहुत खुश थी। मीरा ने अपनी मेहनत जारी रखी और वो सुबह सब्जियां और शाम में फरसान बेचा करती थी। देखते ही देखते मीरा ने अगले 4 महीने में सेठ जी को सारे पैसे दे दिए। बहुत बढ़िया मीरा, अब ये बागीचा तुम्हारा हुआ, इसका अच्छे से ख्याल रखना। मीरा ने अपना बगीचा खरीदने का सपना पूरा कर लिया। अब मीरा अपने खुद के बगीचे में सब्जियां उगाया करती थी और दूसरे सब्जी वाले उससे सब्जियां खरीदा करते थे। मीरा के परिश्रम ने उसकी जिंदगी बेहतर बनाई। उसका बेटा भी अब अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा और मीरा की जिंदगी सुखद हो गई। इसलिए कहते हैं, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। एक गांव में लीला नाम की एक दूध वाली थी। लीला के पास 2 गाय थी जिनसे वो रोज दूध इकट्ठा किया करती थी। दूध इकट्ठा करने के बाद वो गांव-गांव जाकर दूध बेचा करती थी। लीला की एक सहेली थी मीना, जिसकी शादी गांव के एक बड़े व्यापारी से हुई थी। लीला जब भी उस गांव जाती तो वो अपनी सहेली के घर जरूर जाती गप्पे लड़ाने। एक दिन लीला अपनी सहेली से मिलने गई। मीना, मीना आई। लीला, क्या बात है, आज बहुत सज सवर के घूम रही हो। अरे, आज मेरे पति के कुछ मित्र हमारे घर आने वाले हैं। अच्छा, और ये नया हार? हाँ, ये उन्होंने कल ही भेंट दिया। अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। कितने का होगा? यही कुछ 1000-2000 का। 1000-2000? बाप रे, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती। बुद्धू, इतनी बड़ी रकम नहीं है। जब तेरी शादी होगी तो तेरा पति भी तुझे हार तोहफे में देगा। लीला हार का दाम सुनकर सोच में पड़ गई। लीला मीना के घर से निकली। रास्ते भर लीला उसी हार के बारे में सोच रही थी। क्या कभी मेरे पास भी मीना जैसा हार होगा? उसकी शादी तो एक अमीर व्यापारी से हुई है, जो उसे महंगे महंगे हार उपहार में दे सकता है। पर मेरा क्या, अगर मेरी शादी किसी गरीब से हुई तो? क्यों ना मैं ही खुद पैसे इकट्ठा करके वैसा हार लूं? लेकिन मेरे पास पैसे बचते ही कहाँ हैं? लीला ऐसा सोचते सोचते चल ही रही थी कि उसका ध्यान नदी के किनारे दूध में मिलावट कर रहे नत्थू दूध वाले पर गया। ये तो खुलेआम मिलावट कर रहा है। इसके पास 2-2 घर भी हैं। शायद मुझे भी इसी की तरह दूध में पानी मिलाकर बेचना चाहिए। इससे मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। ऐसा सोच लीला बहुत खुश थी। अगले दिन लीला ने रोज की तरह गायों से दूध इकट्ठा किया और फिर उसने उसमें आधा पानी मिलाया। लीला ये दूध लेकर गांव गई। उसने ये दूध गांव वालों को बेचा और अब उसके पास 2 गुने पैसे थे। अरे वाह, आज तो मैंने 2 गुने पैसे कमाए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्दी हार खरीद पाऊंगी।
लीला फिर रोज दूध में पानी मिलाने लगी और बेचने लगी। वो बहुत खुश थी क्योंकि अब वो ज्यादा पैसे कमा रही थी। एक दिन की बात है, लीला नदी के तट पर बैठकर अपने कमाए हुए पैसे गिन रही थी। 201, 202, 203। अरे वाह, मेरे पास तो 200 से ज्यादा पैसे हैं, वो भी एक महीने में। इसका मतलब और 5 महीने में मैं वो हार खरीद पाऊंगी। लीला बहुत खुश थी। उसने नदी के किनारे आराम करने की सोची। जब लीला नदी के किनारे सो रही थी, तभी वहाँ एक बंदर आया और उसने लीला की पैसे की पोटरी उठा ली। लीला की आंख खुल गई। मेरे पैसे वापस दो। बंदर ने वो पोटरी पानी में फेंक दी। फिर लीला फूट फूट कर रोने लगी। अरे मेरे पैसे, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। कोई मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। तभी वहाँ जल देवता प्रकट हुए। क्या हुआ लीला? मेरे पैसों की पोटली नदी में गिर गई। तुम्हारे पैसे? हाँ, मेरी मेहनत के पैसे। क्या तुमने सच में मेहनत की थी? वो मैंने उस हार के लिए। वो तुम्हारे मेहनत के पैसे नहीं थे, इसलिए वो तुम्हें नहीं मिलेंगे। तुमने दूध में मिलावट करके दूसरों को ठग के वो पैसे कमाए थे, वो पाप की कमाई थी। मैं समझ गई देव, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं कभी भी धोखेबाजी से पैसे नहीं कमाऊंगी। लीला को अपनी गलती समझ में आ गई और उससे ये भी सीख मिली कि लालच करके बेईमानी से कोई भी अच्छी चीज प्राप्त नहीं होती। नंदीपुर में एक ही किराने की दुकान थी जिसकी मालकिन थी नंदा। अरे रे नंदा, वो सिर्फ एक मुट्ठी धान है, अब क्या उसे भी कम करोगी? हाँ हाँ, क्यों ना करूं? ऐसे अगर दिन भर में सभी को एक एक मुट्ठी धान ज्यादा देती रही तो मेरा दिवाला ही निकल जाएगा। पूरे नंदीपुर में नंदा के कंजूसी की चर्चा हुआ करती थी। नंदा का अपने पति धानी राम पर भी दबदबा था और उनके बेटे दीपक की भी कभी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई। पापा, अगले महीने मेरा जन्मदिन है, आपने कहा था कि आप मेरे लिए एक नई साइकिल लाएंगे, आप इस बार जरूर लाओगे ना? कोई जरूरत नहीं है नई साइकिल की। लेकिन आपने कहा था। बच्चे का बड़ा मन है तो ले आते हैं ना। नई साइकिल विकल बस पैसों की बर्बादी है, और अभी 4 साल पहले ही तो इसे साइकिल दी थी। लेकिन माँ, 4 साल पहले मैं इतना सा था और अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं वो साइकिल नहीं चला सकता। आ हा 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 हा, बड़े आए मुझे सिखाने वाले कि तुम बड़े हो गए हो, जैसे मैं तो कभी बच्ची थी ही नहीं। लेकिन माँ, मेरी बात तो सुनो। मैंने कह दिया ना, बस। बेचारा दीपक अपने पापा की ओर देखता रहा, लेकिन मजाल हो उनकी कि वो नंदा के सामने अपनी बात मनवा सके। और फिर रूठ कर दीपक घर के बाहर चला गया। उदास दीपक एक पेड़ के नीचे बैठा था जब उसके दो दोस्त नकुल और सोहम वहाँ आए। क्या हुआ, क्या मम्मी पापा ने पिटाई की? नहीं। फिर क्या हुआ जो यहाँ मुँह लटका के बैठे हो? और क्या होगा, इस बार भी माँ ने नई साइकिल लाने से मना कर दिया। तुम और तुम्हारी माँ, वो इतनी कंजूस क्यों है पता नहीं। हमारी गांव में इतनी बड़ी दुकान है और एक मैं हूँ,
जिसे रोज एक चॉकलेट खाना भी नसीब नहीं होता। तो क्या बिना बताए खा लो? नहीं नहीं, अगर माँ को पता चला तो बहुत अच्छे से पिटाई होगी। ना रे बाबा ना, मुझे मार नहीं खानी। अच्छा ठीक है, ये लो तुम मेरी टॉफी खा लो, मैं पापा को बोल के और मंगवा लूँगा। दीपक ने अपने दोस्त की टॉफी खा ली और वो घर की ओर लौट आया। घर लौटकर वो अपने पापा के पास बैठकर उन्हें साइकिल के लिए मनाने लगा। क्या कानाफूसी चल रही है तुम दोनों की? कुछ भी तो नहीं। ठीक है, आओ खाना लग गया है। नंदा ने तीनों के लिए खाना परोसा और तीनों की प्लेटों में उसने गिनकर दो दो रोटियां ही डाली। तीनों ने खाना शुरू किया। कुछ देर बाद, नंदा थोड़ा घी दे दो। घी तो भर भर के डाला है मैंने रोटियों में। थोड़ा और दे दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है ना घी कितना महंगा है? बेचारा धनी राम ये सुन चुपचाप अपना खाना खा लेता है। वैसे तो नंदा कंजूस थी, लेकिन वो रोज सवेरे भगवान जी को शुद्ध देसी घी का दिया लगाया करती थी। इस बार भगवान जी ने नंदा की सुन ली और वो खुद प्रकट हो गए। अरे बाप रे, भगवान जी जय हो, भगवान जी की जय हो। नंदा भगवान जी के चरणों में गिर गई। उठो नंदा, पुत्री तुम रोज मुझे शुद्ध देसी घी का दिया करती हो, ये तुम्हारी उदारता है। इस उदारता से खुश होकर मैं तुम्हें सोना देना चाहता हूँ। सोना? मैं तुम्हें एक जादुई संदूक दूंगा जिसमें इतना सोना होगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हारे पास कोई भी पैसे मांगने आया और तुमने अपनी कंजूसी के कारण उसे मना किया तो जादुई संदूक गायब हो जाएगा। क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ हाँ, इतना सारा सोना होगा तो कौन पैसे देने के लिए सोचेगा। भगवान जी मुस्कुराए और उन्होंने नंदा को वो जादुई संदूक दे दिया। जैसे ही नंदा ने वो जादुई संदूक खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर नंदा ने उस जादुई संदूक को अपनी अलमारी में रख दिया और रोज की तरह वो अपने बेटे और पति के लिए खाना बनाने में जुट गई। लेकिन इस बार वो बहुत खुश थी। सुबह से दोपहर हो गई और धनी राम दीपक को स्कूल से लेकर लौटा। धनी राम नंदा के पास गया। नंदा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि दीपक का जन्मदिन नजदीक है और इस बार तो हमें उसे एक साइकिल दिला ही देनी चाहिए। और हमेशा की तरह नई साइकिल का नाम सुन, नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसा बोलते ही नंदा रुक गई। उसे जादुई संदूक की याद आई और वो तुरंत अलमारी की ओर दौड़ी। वो संदूक गायब हो चुका था। हाय रे मेरा जादुई संदूक, सवेरे तो भगवान जी ने मुझे दिया था और दोपहर तक गायब भी हो गया। फिर नंदा ने धनी राम और दीपक को सुबह की घटना बताई और वो जोर जोर से रोने लगी। नंदा ने अपना अच्छा खासा धन खो दिया और वो भी सिर्फ अपनी कंजूसी की आदत की वजह से। इसीलिए कहते हैं समय रहते आदतें बदल लेनी चाहिए, वरना पछताना पड़ सकता है। घी ले लो, शुद्ध देसी गाय का घी ले लो, घी ले लो। ओहो विमला, 1 किलो घी तोल दो। क्या दीदी, सिर्फ 1 किलो? देखिए आप कितनी पतली होती जा रही हैं। थोड़ा रोटी पे घी लगा के खाया कीजिए और फिर देखिए आपकी तबीयत कितनी मस्त हो जाएगी। ठीक है ठीक है, तुम 2 किलो ही तोल दो। ये हुई ना बात दीदी,
विमला ने 2 किलो घी तोल दिया और वो खुशी खुशी आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसे कई ग्राहक मिले। आज उसका घी का व्यापार बहुत अच्छा हो रहा था और अब उसके पास सिर्फ थोड़ा सा घी ही बचा था। थोड़ी दूर चल के उसे दिन का आखिरी ग्राहक मिल ही गया और अब उसका सारा घी खत्म हो चुका था। विमला खुशी खुशी लौट रही थी कि तभी उसे एक छोटे बच्चे ने आवाज दी। विमला काकी, घी है क्या? नहीं बेटा, घी तो खत्म हो गया। ठीक है काकी, कल आप ज्यादा घी ले आना। हाँ लला, कल तुम्हें घी जरूर दूंगी। घी का खाली डिब्बा लेकर विमला अपने घर पहुंची और उसने पैसे गिनने शुरू किए। ज्यादा पैसे देख वो बहुत खुश थी। आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई, लेकिन आज मेरा एक ग्राहक खाली हाथ लौट गया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कल से मैं ज्यादा घी बनाऊंगी ताकि कोई भी खाली हाथ ना लौटे। अगले दिन विमला ने घी मथना शुरू किया। जैसे जैसे घी बनता गया, विमला का डिब्बा भरता गया। अब डिब्बा 3/4 भर चुका था और विमला के पास का सारा दूध खत्म हो गया। अरे ये क्या, आज भी डिब्बा पूरा नहीं भरा। अगर आज मेरा एक भी ग्राहक खाली हाथ चला गया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। नहीं, आज मेरा कोई भी ग्राहक वापस नहीं लौटेगा। विमला भीतर से एक वनस्पति तेल का डिब्बा ले आई और उसने घी में तेल मिला दिया। अब कोई खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। घी ले लो, घी ले लो, शुद्ध देसी गाय का घी ले लो, घी ले लो। काकी, 1 किलो घी दे दो। हाँ लल्ला, कल तुम्हें घी नहीं मिला ना, आज थोड़ा ज्यादा ही ले लो। विमला ने बच्चे को घी दे दिया और वो आगे बढ़ गई। ऐसे ही विमला बाकी लोगों को भी अपना घी बेचने लगी। आज का दिन तो बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं। वो हलवाई सुरेश के घर के बाहर पहुंची। घी ले लो, घी ले लो। विमला दीदी, 3 किलो घी दे दो। हाँ हाँ सुरेश, लेकिन आज 3 किलो, कोई दावत है क्या? हाँ, मुखिया जी के घर में दावत है, उन्हीं के लिए गाजर का हलवा बना रहा हूँ। अच्छी बात है। विमला ने 3 किलो घी दे दिया और वो वहाँ से चली गई। विमला खुश थी कि आज उसका कोई भी ग्राहक खाली हाथ नहीं लौटा। हलवाई सुरेश ने गाजर का हलवा बनाया और अब वो हंडी लेकर मुखिया जी के घर पहुंचा। मुखिया जी के घर पर बहुत सारे लोग भोजन के लिए आए थे। हलवाई सुरेश ने उन्हें अपना हलवा परोसा। उनमें से एक व्यक्ति ने वो हलवा खाया। भाई सुरेश, क्या हो गया आज तुम्हारे हलवे को? पहले जैसा स्वाद ही नहीं है इसमें तो। लगता है आज सुरेश का ध्यान भटक गया था। नहीं नहीं, लगता है मुखिया जी ने सुरेश को पैसे नहीं दिए। सभी लोग हंसने लगे और मुखिया जी सुरेश को घूरने लगे। अब सुरेश ने हलवा चखा तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने फिर से हलवा चखा। मैंने तो सब चीजें बराबर ही डाली थी, कहीं ये विमला दीदी के घी की वजह से तो नहीं? अगले दिन सुरेश
विमला के घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि विमला घी में वनस्पति का तेल मिला रही थी। विमला दीदी, इतनी बड़ी धोखाधड़ी, आप शुद्ध घी में वनस्पति तेल मिला रही हैं? आप धोखेबाज हैं। आपके कारण आज पहली बार गांव वालों ने मेरे हलवे की खिल्ली उड़ाई। मैं सारे गांव वालों को तुम्हारी धोखाधड़ी के बारे में बता दूंगा। अरे सुरेश, मेरी बात तो सुनो। सुरेश ने विमला की बात नहीं सुनी और वो वहां से चला गया। सुरेश ने गांव वालों को ये बात बता दी कि विमला ने मिलावट की है, और अब जब विमला घी लेके निकली, दीदी घी ले लीजिए। नहीं नहीं, तुम्हारा घी नहीं चाहिए। घी के नाम पे मिलावटी वनस्पति तेल बेचती हो, चली जाओ यहाँ से। ये बातें सुन विमला को अपनी धोखाधड़ी पर बहुत गुस्सा आया। मिलावट करने से उसके सारे ग्राहक टूट गए और अब कोई भी विमला से घी नहीं खरीद रहा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कर बुरा तो हो बुरा, ईमानदारी एक बहुमूल्य गुण है।